हे लवली पीपल, सो इन टुडेज़ वीडियो मैं आपको अपनी सारी की सारी स्केच बुक्स दिखाने वाली हूँ। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैंने अपनी सारी स्केच बुक्स निकाल ली हैं एंड इसको निकालने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है। सो स्टार्ट करते हैं स्केच बुक नंबर 1 से, जो कि है ये वाली। ये काफ़ी बड़ी है और काफ़ी A3 साइज़ की है ये, जिसमें मैंने काफ़ी सारी ड्राॅइंग्स की हैं, जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। कुछ मैंने इसमें क्रिएटिविटी की है एंड ये वाला जो पोर्ट्रेट है ये मैंने चारकोल से बनाया था। ये अवनीत कौर का बनाया था, जो कि इतना अच्छा नहीं बना है। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे और काफ़ी लोगों को पसंद भी आया था ये। ज़्यादातर अब आपको चारकोल या पेंसिल से देखने को मिलेंगे एंड आप इम्प्रूवमेंट खुद ही देख सकते हैं मेरी स्केच बुक में। तो ये मेरी स्केचबुक नंबर 2 है, जिसको मैंने वाटर कलर से स्टार्ट किया था। देन मैंने पेंसिल जो नई ली थी उससे एंड कलर पेंसिल, फिर वाटर कलर से काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया है। स्केचबुक में डिफरेंट डिफरेंट मीडियम ट्राई किए हैं एंड ये मैंने स्कूल के लिए बनाया था। एंड ये है मेरी स्केचबुक नंबर 3, जिसको मैंने पहला फ्रंट पेज सेम तरीके से अपना नाम लिख के और कुछ क्रिएटिव ट्राई किया है। एंड इसमें मैंने ज़्यादातर कुछ नहीं बनाया, इसके पेजेस वगैरह मैंने यूज़ किए थे। सो ये स्केचबुक नंबर 4 है, जल्दी जल्दी से मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने पेंसिल से ही ट्राई किया था। ये स्केचबुक नंबर 5, जिसको मैंने स्कूल के लिए यूज़ किया था एंड इसमें ज़्यादातर मुझे A+ या स्टार मिले, काफ़ी अच्छी बनी थी। सो ये फ्रंट पेज था एंड ये कुछ और भी मैंने कोलाज या ऐसी चीज़ इसमें बनाई थी। ऑयल पेस्टर इसमें मैंने ज़्यादातर यूज़ किया था और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं किया था मैंने यूज़, क्रेयॉन्स यूज़ किए थे। एंड ये है नेक्स्ट स्केच बुक, जो कि इसके साथ इलास्टिक थी जो कि ढीली हो चुकी है। सो खोलते हैं एंड देखते हैं इसमें क्या क्या बनाया था मैंने। इसके ऊपर मैंने एक कवर भी चढ़ाया था जो कि स्टिक हो जाता है एंड ये फ्रंट पेज है। ये स्केच बुक मुझे काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ गई थी। ये वाला मेरा फेवरेट पेज है इसमें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन गया था, पर इसको मैंने बाद में ख़राब कर दिया। ये मैंने कुछ ब्रश पेंसिल पे ट्राई किए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फनी है जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड कुछ और मैंने इसमें पेंस ट्राई किए थे ज़्यादातर, ये सेम वही है जो मैंने आपको पहले दिखाया था स्कूल का प्रोजेक्ट। एंड बस इसी तरह से मैंने इसमें कुछ वाटर कलर्स, पेंसिल कलर्स, मार्कर्स वगैरह हर मीडियम इसमें मैंने ट्राई किया है। ये मेरी और मेरी मम्मी की फ़ोटो थी जो मैंने कंप्लीट अभी तक की नहीं है। एंड इसमें मैंने कहा ग्रिड मेथड ज़्यादातर मैंने इसमें ट्राई किया और काफ़ी ज़्यादा सीखा ग्रिड मेथड से ही इसमें। एंड ये सेम वही मार्कर्स वगैरह मैंने ट्राई किए हैं एंड ऐसे मैंने कुछ ना कुछ बनाया है इसमें। ये वाली मैंने ऑयल पेस्टर से ट्राई की थी लेकिन ये इतनी अच्छी नहीं बनी। ये गणेश जी मैंने चारकोल से बनाए थे और काफ़ी अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं बने हैं। एंड कुछ मैंने सेम वही ग्रिड मेथड से ट्राई किया था। ये कुछ मैंने और भी डूडल वगैरह बनाए हैं इसमें। इसमें मैंने पेंसिल से पेंसिल कलर्स ऐसे ट्राई किया। ये लिप्स मैंने बनाए थे जैसा कि आप देख सकते हैं ये कितने बुरे बने हैं। एंड ये मैंने ऑयल पेस्टल ट्राई किए थे, ये भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ये मैंने वाटर कलर से ट्राई की थी पेंटिंग एंड ये ही है इसमें। नेक्स्ट ड्राइंग बुक पे आ जाती है, मैंने ड्राइंग बुक खुद बनाई थी एंड ये कुछ फेसेस मैंने फ्रंट पेज पे ट्राई किए थे। एक्चुअली ये जो ड्राइंग बुक है इसमें मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी थी एंड काफ़ी अच्छी चीज़ें बनी थी, जैसे शेडिंग वगैरह आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी। एंड ये वाला मैंने पेंसिल ड्रॉ किया था, ये कितना अच्छा बना है आप देख सकते हैं। ये वाला मैं पेंसिल बनाया था, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये मैंने ऑयल पेस्टर से ट्राई किया एंड इसमें आप देख सकते हैं ऑयल पेस्टर वाले भी काफ़ी अच्छे बन गए थे। सो इम्प्रूवमेंट आप मेरे देख सकते हैं इसमें एंड काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने इसमें बनाई थी। मुझे ये ड्राइंग बुक काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसीलिए ये बहुत ही पुरानी स्केच बुक है मेरी।
इसमें भी मैंने बहुत कुछ जैसे बनाया, जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन इतना अच्छा नहीं बना है। एंड ये कुछ डूडल वगैरह मैं पहले किया था, एंड इसमें ज़्यादातर मैंने लिखा ही है, जैसे कि रेसिपीज़ वगैरह होगी, केक बनाना वगैरह वगैरह। सो ये वाली ड्राइंग बुक में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, डूडल वगैरह किया है, कुछ और भी कलर्स वगैरह ट्राई किए हैं, एंड हैंड राइटिंग ट्राई की थी। सो अब आ जाते हैं मेरी ग्रे वाली स्केच बुक पे। ये स्केच बुक भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, एंड इसमें भी आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। अगर आप पहली वाली ड्राइंग बुक्स देखें और ये वाली ड्राइंग बुक देखें, ये मेरी अभी की ड्राइंग बुक है, ग्रे टोन पेपर वाली, एंड इसको मैंने अभी तक कंप्लीट ही नहीं किया है, ये बस इतनी ही कंप्लीट है। एंड इसमें आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं पहले के मुताबिक। एंड ये कुछ स्केचेस है जो मैंने पेपर पर ट्राई किए थे, ये मैं आपको टर्न वाइज दिखाती हूँ। ज़्यादातर मैंने इस पर पेंसिल कलर ट्राई किए थे, ये मैंने कुछ एक्रेलिक पेंटिंग्स की थी, एंड ये वाला मैंने कार्डबोर्ड पे किया था, एंड मार्कर्स कुछ ट्राई किया है मैंने इस पर। आपको पता होगा कि जो सूट्स वगैरह हम बाय करते हैं, ड्रेस वगैरह, उसमें ग्रे कलर का पेपर निकलता है, उस पर भी मैंने पेंटिंग्स वगैरह ट्राई की थी और काफ़ी अच्छी बन गई थी। ये वाली उसी पर मैंने ट्राई की हैं दो पिक्चर्स, एंड ये काफ़ी अच्छी बन गई थी। ये मैंने सेल्फ पोर्ट्रेट ट्राई किया था, जो कि इसमें इतना अच्छा नहीं बना है क्योंकि पेपर का GSM कम था, जिसकी वजह से पेपर फट गया था। एंड ये कुछ जो आपको पिछली वीडियो में आपने देखा भी होगा, ये मैंने शनूर कॉर के ट्राई की थी पेंसिल कलर से, तो क्लोथिंग वगैरह बहुत अच्छी बन गई थी। एंड ये वाला वाटर कलर से मैंने ट्राई किया था, ये वाला मैंने एक्रेलिक से ट्राई किया था, एंड ये वाला जो है मधुबनी पेंटिंग का कलमकारी कह सकते हैं आप इसे, तो इसमें ये मैंने वाटर कलर से ट्राई किया था। एंड इसमें आप जो गोल्डन शेड उसकी टेल में और माउथ में देख सकते हैं कितना अच्छा बन गया था। ये वाला मैंने पेंसिल कलर से ट्राई किया था, इसकी वीडियो भी है, आप देख सकते हैं जाके। एंड ये वाला मैंने चारकोल से और पेंसिल कलर से ट्राई किया था, इस वाले में मैंने एक्रेलिक से बैकग्राउंड दिया है। एंड ये ज़्यादातर इसमें आप वाटर कलर के पोर्ट्रेट देख सकते हैं, ये वाला भी वाटर कलर का है, ये भी वाटर कलर का पोर्ट्रेट है। एंड ये मैंने पेंसिल से ड्रा किया था, ये मैंने स्केच पेन से या पेंस आप बोल सकते हैं, जो फाइन लाइनर वगैरह पेंस होते हैं उससे बनाया था। एंड ये मैंने बहुत जल्दी जल्दी कर दिया था, इसलिए आपको इस तरह से कुछ दिख रहा है, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा था और बारीक काम किया था इसमें। ये मेरा मैंने वाटर कलर से फर्स्ट टाइम मैंने हैंड वगैरह ड्रॉ किया था वाटर। सो आज मैंने आपको मेरी सारी की सारी स्केच बुक्स और स्केचेस वगैरह दिखाए हैं, एंड मुझे लगता है इसमें कुछ ना कोई एक दो छूट भी गई होंगी, तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी। ये वीडियो आपको कैसे लगी इसको लाइक कर देना, एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, कमेंट सेक्शन में बताना आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए। बाय एंड थैंक यू फॉर।